प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक परिसर के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि राज्य में जेएमएम के हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ झूठ के बदौलत सत्ता में आई है। जेएमएम के चुनाव के समय यहां के भोले भाले इंसानों को ठगने का काम किया है। चुनाव के समय यही हेमंत सोरेन घूम घूम कर प्रचार किया करते थे कि हम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, विधा एवं विधवा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करेंगे, हरेक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वह सिर्फ चुनाव के दौरान ही भोले भाले जनता को ठगने के लिए कहा गया। बाद में यह जेएमएम की सरकार अपने वादों से मुकर गई, जो कि उसी वादों को याद दिलाने के लिए हम लोगों के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से पहली मांग बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, दूसरे राज्य में पड़े सभी खाली पदों को झारखंड के युवाओं को बहाल किया जाए, तीसरा अनुबंध कार्यरत कर्मियों को स्थायी किया जाए, चौथा पूर्व सरकार की नियोजित नीति को लागू किया जाए तथा पांचवा जेपीएससी से 100% झारखंड वासियों को बहाल किया जाए। यही 5 सूत्री मांगों को हम लोग चिनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कालिदास मुंडा के हाथों झारखंड के महामहिम राज्यपाल को सौंप रहे हैं। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष विभूति सिंह, राम शकल कोरवा, पूर्व युवा मंडल अध्यक्ष छोटू यादव, शिवलाल सिंह, तुलसी भुइयां, प्रभात सिंह, शकुंतला देवी, अरुण यादव, सुरेंद्र पाल, सुदामा शाह, अयोध्या सिंह सहित सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। आज युवा विश्व घास दिवस महाधारणा के माध्यम से हम लोग झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंड में आज धरना दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हम लोग जिस तरह के तरीका से झारखंड सरकार ने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या मतलब, क्या संदेश देते हैं? हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं युवाओं के रोजगार दे सरकार, और बेरोजगारी जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता दे। मतलब ये मांग आप चिनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को? हाँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, महामहिम के नाम, महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम से। हाँ, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी तो आज उपस्थित नहीं है। हम लोग देंगे ब्लॉक में किसी स्टाफ को जो उनके परिवार में होंगे। आप लोग का मतलब मुख्य मांग क्या क्या? हम लोग का मुख्य मांग बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, राज्य में पड़ी सभी खाली पदों में झारखंड के युवाओं को बहाली किया जाए, अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी किया जाए, पूर्व सरकार की नियोजन नीति को फिर से लागू किया जाए, जेपीएससी में 100% झारखंड वासियों को बहाल किया जाए। 5 सूत्री मांग हम लोग का। 5 सूत्री मांग। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।